हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम साहब बहुत विनम्र थे। जब राष्ट्रपति बने तब केरला गए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, और वहां राजभवन में बड़ा एक समारंभ रखा हुआ था और राष्ट्रपति को कहा गया था कि आप भी दो व्यक्तियों को निमंत्रित कर सकते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वो एक छोटा व्यक्ति था, एक मोची था, उसको निमंत्रण दिया था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो एक छोटी सी होटल थी, उस होटल का मालिक था। दोनों को निमंत्रण अब्दुल कलाम ने इस प्रसंग में उपस्थित रहने के लिए दिया था। राष्ट्रपति बनने के पहले वहां जब केरला में अब्दुल कलाम साहब रहते थे, तो उस वक्त मुझी के पास कभी अपने फटे हुए चप्पल को दुरुस्त करने के लिए, उसको सिलाने के लिए वहां पे जाते थे, और उसके साथ मित्राचारी हो गई थी, और कभी उनको भूख लगती थी छोटी होटल में जाते थे और वहां खाना खाते थे। इतनी बड़ी पोस्ट मिली और भारत के शायद सबसे अधिक लोकप्रिय नेता अब्दुल कलाम साहब हुए, लेकिन विनम्रता उनके जीवन के अंतिम क्षण तक रही थी। वे ही उनकी विशेषता है, उनका बड़प्पन है। दूसरे प्रसंग का विचार करें, अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं शताब्दी के मूर्धन्य वैज्ञानिक थे। उस व्यक्ति के पास एक दूसरे वैज्ञानिक गए जो गणित शास्त्री थे और भौतिक शास्त्री भी थे, उनका नाम था बनेश हॉफमैन। उसको कुछ विमर्श करना था, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि आपसे विमर्श करना है, तो कहा ठीक है मेरे पास आप आ जाएगा। जब उन्होंने अपने विचार पेश करना शुरू किया तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो सामने ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड पर आप अपने जो समीकरण है वो लिखिएगा। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब ऐसा हुआ, आइंस्टाइन ने कहा कि प्लीज गो स्लोली, आप जरा धीरे धीरे ये मुझे समझाना, धीरे धीरे लिखना। पर आगे उन्होंने ये कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली, मैं बहुत आसानी से सब बात समझ नहीं सकता। उनकी विनम्रता बहुत छू गई। बनेश हॉफमैन ने उनके बारे में 1972 की साल में एक बढ़िया पुस्तक लिखी, अल्बर्ट आइंस्टाइन द क्रिएटर एंड अ रेबल। तो उसका मूल कारण यह था कि आइंस्टाइन बुद्धिमान बुद्धिशाली तो थे ही, लेकिन साथ साथ आइंस्टाइन विनम्र भी थे। हमारे देश में सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट जगत के भगवान के समान लोग उनको मानते हैं। एक दफे चेन्नई गए थे और चेन्नई में एक होटल में वहां ठहरे थे। अपने कमरे में एक वेटर आया चाय लेकर। वेटर ने कहा कि मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं अगर आपको बुरा न लगे तो। सचिन ने कहा ठीक है आपको। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप अच्छी तरह से आपका बैट, आपका जो बल्ला है, घुमा नहीं सकते। उसका कारण यह है कि आपका जो एल्बो गार्ड है, आपकी जो कोहनी का रक्षा कवच है, वो आपको रुकावट कर रहा है। सचिन को लगा ये बात ठीक है। एक छोटा आदमी था लेकिन सुझाव 100% सच्चा था। उसने एल्बो गार्ड बदल दिया और अच्छी तरह से बैट घुमा सका, अच्छे रन भी बना सका। सचिन तेंदुलकर बहुत ही आगे बढ़ता रहा। उनके बारे में रिटायरमेंट के बाद बहुत लोगों ने काफी सब प्रशंसा की। विश्व में सबसे अधिक रन्स तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो अच्छे मानव थे। ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। सभी लोग वही प्रशंसा अधिक कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अगर विचार करें तो आध्यात्मिक मार्ग में भगवान श्री राम नीचे बैठते थे, वशिष्ठ को ऊपर बिठाते थे। भगवान श्री कृष्ण का विचार करें, भगवान श्री कृष्ण भी नीचे बैठते थे, अपने गुरु सांदीपनि को ऊपर बिठाते थे।
भगवान श्री कृष्ण द्वारका के अधीश बने, द्वारकाधीश जब वे थे तब भी उन्होंने राजसूय यज्ञ में जूट उठाने का काम किया, अर्जुन का जो रथ था रथ हाँकने का काम किया, एक ड्राइवर का काम किया। तो भगवान के अवतार थे, अवतार होते हुए भी उनके जीवन में विनम्रता थी, कभी भी अभिमान उनके जीवन में नहीं आया है। भगवान स्वामीनारायण जब गुजरात पधारे, उनकी उम्र 19 साल की थी, रामानंद स्वामी के आश्रम में ठहरे हुए थे, उन्होंने तो अष्टांग योग भी सिर्फ एक साल विस्तृत कर लिया था और बहुत समर्थ थे, उनका तप सबसे अधिक था, लेकिन आश्रम की सफाई का काम करते थे, कुआं में से पानी निकालते थे, आश्रमवासियों को स्नान करवाते थे, झूठे बर्तन साफ करते थे, संतों की जो कोपिन थी कोपिन भी वो धोते थे, गांव में जाते थे और वहां गोबर इकट्ठा करते थे कंडा बनाने के लिए, हर रोज गांव में भिक्षा मांगते थे। ये सब काम, छोटा मोटा काम सब भगवान स्वामीनारायण करते थे, हमेशा उनके जीवन में विनम्रता रही। भगवान स्वामीनारायण के पांचवे आध्यात्मिक वारिस प्रमुख स्वामी महाराज विनम्रता की मूर्ति थे। प्रभु स्वामी महाराज को एक दफे किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपको क्या बनना अच्छा लगेगा, तब स्वामी ने कहा सेवक बनना अच्छा लगेगा। अक्षरधाम उद्घाटन का प्रसंग, उस प्रसंग धूमधाम पूर्वक उस प्रसंग वहां हुआ 2005 की साल में दिल्ली में। उस प्रसंग के बाद अब्दुल कलाम साहब, प्रमुख स्वामी महाराज, विपक्ष के नेता आडवाणी जी, दिल्ली के गवर्नर जोशी साहब सब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अक्षरधाम का जो आगे पोडियम है उस पोडियम पर वहां वे खड़े थे और उस वक्त अब्दुल कलाम साहब ने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी आपने तो कमाल कर दी, 5 साल में विश्व का एक अजूबा बना दिया। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाकर कहा भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, उनकी मर्जी से हुआ है। स्वामी जी हृदय से बोल रहे थे, वो फॉर्मेलिटी नहीं थी, औपचारिकता नहीं थी, हृदय से बात निकल रही थी। उसी समय अब्दुल कलाम साहब ने विचार किया कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन पर मुझे एक किताब लिखनी है और उन्होंने उनका संकल्प पूरा किया। ट्रांसेंडेंस नाम की किताब प्रमुख स्वामी महाराज पे उन्होंने लिखी और जब उनके जो को ऑथर थे अरुण तिवारी जी ने उनसे पूछा कि साहब इसके बाद आप कौन सी पुस्तक लिखोगे, तो उन्होंने कहा था What had to be done has been done, nothing more remains to be done, जो करना था वो हो गया है मेरे जीवन में और मुझे अधिक कुछ भी नहीं करना है। और प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि इज अ ग्रेट टीचर, बड़े शिक्षक है, ही टॉट मी रिमूव आई एंड रिमूव माइंड। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सिखाया है मैं का जो भाव है, जो अहम पद है उसका त्याग करो, मेरापन का भी आप त्याग करना। और बहुत बड़े मेरे गुरु है, मेरे अल्टीमेट टीचर है, ऐसी बात अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी महाराज की विनम्रता देख करके अनुभव करके उनके मुंह से शब्द निकले और उन्होंने पुस्तक भी लिख दी।